नमस्कार साथियों, मैं आज सुबह से देख रहा था कुछ अंधभक्त बीजेपी के और लोकदल के बारी बारी ये प्रचार कर रहे हैं कि मैंने सर छोटू राम को गद्दार कहा और इस तरह की बात मेरे द्वारा कही गई। मैं बड़ा स्पष्ट आप लोगों के साथ एक चीज़ करना चाहूँगा, वो वीडियो आपके सामने भी है। जब शहीदी दिवस कल बना रहे थे तो उस समय बड़े साफ शब्दों में मैंने कहा था कि आज भी हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में शहीद आज़म भगत सिंह, शहीद आज़म सुखदेव, शहीद आज़म राजगुरु, जो हमारे तीन योद्धा थे जिनने देश की आज़ादी की एक ऐसी चिंगारी को लो देने का काम किया था, जिसने एक ऐसा परिवर्तन देश में लाया जो इस देश को आज़ादी की कगार पर लेकर गया। अगर उन परिस्थितियों को देखें तो मैंने उन लोगों के लिए बात कही थी जिन लोगों ने शहीद आज़म भगत सिंह के खिलाफ, राजगुरु के और सुखदेव के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। वो लोग थे जिनको उपाधियां मिली दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े जमीनों के इलाके मिले, और आज के दिन में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि उन लोगों को किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दस्तावेज बताते हैं कि सम्मान अंग्रेजी हुकूमत ने देने का काम किया। मैं आपको एक चीज़ साझा करना चाहूँगा कि जो लोग आज फेसबुक, ट्विटर पर ये अलग अलग चीज़ों का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पाकिस्तान में जाकर सर छोटू राम की पुरानी जो यादें थी उनको लाकर गढ़ी सांपला के अंदर स्थापित करने का काम किया था। मैंने स्वयं गढ़ी सांपला में 2 साल से जो लंबित सर छोटू राम का स्टैचू था, जिसका उद्घाटन नहीं भारत सरकार होने दे रही थी, सरकार को मजबूर कर उसका उद्घाटन कराने का कार्य किया था। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि आज हमें इतिहास से समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से ऐसे लोग थे जो आज़ादी के बाद अपने नाम के आगे सर लगाकर घूमते थे, उन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के कहे हुए फैसलों के अंदर गवाही देकर जो हमारे वीर योद्धाओं थे उनको जेलों की सलाखों में बंद करवाने, उनको फांसी की सजा दिलाने में मदद करी थी। और मैं तो सभी युवा साथियों से कहूँगा कि आज सबसे पहले जो लोग मेरे को ये बात कह रहे हैं उनसे ये पूछने का काम करो कि अगर वो शहीद आज़म भगत सिंह को पूजने का काम करते हैं, वो मानते हैं कि तीन योद्धाओं ने 23-23 साल की उम्र के अंदर इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान करने का काम किया था, आज उनको क्यों गद्दार हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में कहा जाता है। आज देखने की चीज़ है, समझने की चीज़ है कि वो एक ऐसा दौर था जब बहुत से ऐसे लोग उपाधियां लेकर गए थे। आज आप राय साहब की उठाकर देखो, आज आप जेलदार की उपाधि उठाकर देखो, बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में रहकर हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं को दबाने के लिए कोर्टों में गवाहियां देने का काम करते थे। और मैं तो आपको सोचने पर आज आपको कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को लेकर जाओ, इतिहास पढ़ो, और हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसे लोग कौन थे जिनने आज़ादी के बाद भी अपने नाम के आगे ये उपाधियाँ लगाने का काम किया था। और जो साथी सर छोटू राम को इस पूरे वाक्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन साथियों को बताना चाहूँगा सर छोटू राम केवल मात्र सर नहीं थे, वो तो किसानों के मसीहा थे, रहबर आज़म थे। उनने तो ऐसे ऐसे कदम उठाए जिनने बदलाव के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए इस देश को एक नया नक्शा कदम देने का काम किया था। और सेठ छाजूराम जी की जहाँ बात थी, सेठ की उपाधि साथियों उनको किसी अंग्रेजी हुकूमत ने देने का काम नहीं किया था। सेठ छाजूराम तो जब सेठ कहलाए थे, जब उनने कलकत्ता में जाकर बड़े बड़े व्यापारियों को पैसा देकर उनके व्यापार खड़े कराने का काम किया था,
तो मुझे लगता है कई ऐसे साथी हैं जो इतिहास को ना समझते ना देखते।